अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनरोज आर्ट्स। मेरे चैनल एनरोज आर्ट्स में खुश आमदीद। और जी, मैं काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा जो मोबाइल था वो ख़राब हो गया। तो अब फाइनली मुझे मोबाइल मिल गया तो मैंने वीडियो बना ली। रोज़मर्रा के कामकाज, मसरूफियात कुछ इस तरह से रही है मेरी। मेरी जो छोटी खाला थी वो गांव से पली लेके आई, तो पली जो है वो मेरी फेवरेट है, चने का साग। तो मैंने जो है वो बग़ैर देर किए पली बनाने स्टार्ट कर दिया। तो जी जो है, सबसे पहले जो है मैंने पानी गर्म किया, और जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हुआ तो मैंने उसमें पानी डाल दिया। और ये मैंने आटा निकाल के रख दिया गूंदने के लिए, और ये जो है पली पक रही है इस तरफ। और ये जो है मैंने पानी गर्म करने के लिए दूसरी साइड रख दी, ताकि जो है गर्म पानी से मैं आटा गूंद लूँ, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो सॉफ्ट नहीं हो पाती ठंडे पानी से आटा। तो इसलिए मैं पानी गर्म करके फिर आटा गूंद लेती हूँ। और जी ये मिलिए ज़हरा और अंसे, ये तो खाने में मसरूफ़ हैं जी। अच्छा, तो ये छोटी सी प्यारी सी माशाल्लाह खसाइल। और जी ये गुड़िया से मिली है आप, प्यारी सी गुड़िया, छोटी सी खसाइल जो है वो। पता नहीं क्या क्या करती हैं, करती रहती हैं, कभी कौन सा स्टाइल है इसका, कभी कौन सा स्टाइल है, माशाल्लाह। तो जी ये ज़हरा आ रही हैं बाहर से, ज़हरा की अम्मी है, अम्मी जो है वो उसकी भी छुट्टी हो गई है, वो स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं। तो वो आई और वो जो है वो दूध भी लेकर आई, दूध और बिस्किट चाय बनाने के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा है तो हम जो है वो खाने से पहले चाय भी पी लेते हैं। और जी ये मेरा जो पल्ली है वो जो मैंने चढ़ा दिया था गलने के लिए रख दिया था, तो गल कर तैयार हो गया। और ये देखें मेरा आटा जो है वो मैंने गूंद कर रख दिया ताकि सॉफ्ट हो। तो अब जो है वो मैं पल्ली के आलू अलग अलग करके रख दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने आलू भी अलग करके रख दिए। अब जो है वो पल्ली को मैं घोटना शुरू कर दूंगी, क्योंकि पल्ली और आलू जो है वो, आलू के टुकड़े जो है वो मैंने साथ में उबाले थे, दोनों गल गए हैं। तो मैंने आलू निकाल कर और पल्ली को कूटना शुरू कर दिया। और ये दूसरी साइड जो है वो अफरोज़ अपने लिए पराठा बना रही है, क्योंकि वो स्कूल से आई तो उसे भूख लग रही थी, चाय और पराठा खाएंगी सबसे पहले। और ये मैं जो है लहसुन क्रश कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन जो है वो लाजमी चीज़ है। तो जी मैं खाने पीने से फारिग होकर ऊपर अपने घर अपने कमरे में सोने के लिए आ गई दोपहर को 3 बजे। तो जी जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो ये मुर्गों ने हमला किया हुआ था बाहर गैलरी का, जैसे हवा में दरवाज़ा खुल गया तो सारे मुर्गे जो है वो अंदर आ गए, और इनने जो है वो बाहर से, बाहर जो फीड रखा हुआ था उसकी भी ठेली चीट फाड़ करके सारा फीड जाहिर कर दिया। और जी ये मेरा बेडशीट, चलो भाई निकलो, निकलो भाई निकलो, चलो। सारा खाना खराब कर दिया। वो डर के मारे बाहर भाग गया था कि कहीं उन पर हमला ना कर दें ये मुर्गी। सारा जो है वो घर का नशर नशर कर दिए, नहीं देखिए आप, पता नहीं कैसे अंदर घुस आए। और ये जो फीड लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, इनके लिए इनका सारा हशर नशर कर दिया, पूरी थैली चीर फाड़ के। अब जो है वो मुझे सफाई करनी पड़ेगी। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।